हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूपीएसएससी ट्रिपल सी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए अपना प्रैक्टिस सेट 21 से 24 को। दोस्तों, ये बुक द प्लेटफॉर्म यानी कि रुकमणी पब्लिकेशन का है, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ जनरल अवेयरनेस को भी दिया गया है, यानी कि करंट अफेयर के साथ जीके और स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। टोटल दोस्तों इसमें 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जो कि 50 सेट में हैं, और अब तक हम इसके 1 से लेके 20 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, यूपीएसएससी ट्रिपल सी पीईटी परीक्षा के साथ साथ ये बुक आपके अन्य एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी मेंस के लिए, और साथ ही साथ स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जहां करंट अफेयर और जीके पूछा जाएगा, वहां ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित रहेगी। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सेट नंबर 21 से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की थी। देखिए, जब कोरोना की बात आएगी तो आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि याद रखिएगा, भारत में पहला टीका, कोरोना का पहला टीका किस व्यक्ति को दिया गया था? तो उनका नाम है मनीष कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, मनीष कुमार। और भारत का स्वदेशी वैक्सीन है जो, जिसका नाम है कोवा वैक्सीन, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने। और एक क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इस समय है, जानवरों के लिए कोरोना का विश्व का पहला टीका किस देश ने पंजीकृत किया? तो ये है आपका रूस। ठीक है दोस्तों, रूस। साथ ही साथ भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज द्वारा। ठीक है दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन। और ये क्या क्वेश्चन और रखिएगा दिमाग में, कोविड-19 वैक्सीनेशन के पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये है अभिनेता सोनू सूद। साथ ही साथ कोविड-19 से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। और भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो ये है दोस्तों केरल। कहां पर? केरल में दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टिकोण से सर्वाधिक क्षेत्र पर बनावन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिजोरम। याद रखिएगा मिजोरम। चलिए बात करते हैं हम मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और यहां से इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर राज्यपाल अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। तो यहां के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। ठीक है दोस्तों, और मुख्यमंत्री कौन है? जोराम थंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा राजनीतिक दल के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट नाम है ये रामविलास पासवान। तो दोस्तों, इन्हें सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। किससे? पद्म भूषण से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन है? देखिए, सबसे कम भ्रष्टाचार जहां होगा वो देश इस सूची में पहले स्थान पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी। लेकिन आप साथ ही साथ याद रखिएगा, इस इंडेक्स में न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 स्कोर कर 88 के स्कोर के साथ ये पहले स्थान पर है संयुक्त रूप से। और सबसे निचले स्थान पर है सोमालिया और दक्षिण सूडान। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो हमारा देश भारत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में, 2020 की बात है ये, 2020 का इंडेक्स है, 180 देशों में से 86वें स्थान पर रहा, यानी कि 86। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग हेतु अमृत वाहिनी ऐप को शुरू किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी।
यानी कि झारखंड। ठीक है दोस्तों, देखिए बात झारखंड की है तो याद रखिएगा राजधानी क्या है झारखंड की, रांची। इसका गठन यदि पूछ ले तो याद रखिएगा 15 नवंबर वर्ष 2000। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। ठीक है ना, रमेश बैस को नया बनाया गया है यहाँ का राज्यपाल, किसका, झारखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 2021 को मनाया गया, इसका थीम क्या है। तो दोस्तों इसका थीम है आपका ऑप्शन ए, यानी कि री इमेजन, रिक्रिएट, रिस्टोर। याद रखिएगा दोस्तों, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये रिस्टोर है, आर ई एस टी ओ आर ई। फिर से बताता हूं, देखिए री इमेजन, रिक्रिएट और रिस्टोर, रिस्टोर, आर ई एस टी ओ आर ई, एन नहीं है यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो द्वारा मंगलयान सेकंड को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये रखा गया है 2024। ठीक है ना, यहां से याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इसरो का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है दोस्तों, छठवीं बारहवीं तक के छात्रों को घर में ही रहकर पढ़ने हेतु उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो सही आंसर है दोस्तों इसका बिहार। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिहार। चलिए देखते हैं, बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, और राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। सैन जीहू 1-2 क्रू मिशन किस देश का मिशन है। तो दोस्तों ये है चीन का। ठीक है ना, किसका है, चीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, लगभग जुलाई के मंथ का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूके। ठीक है ना, यूके सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भामी दीप्ति साई प्रणीत, देखिए दोस्तों फुल पूरा नाम लिखा हुआ है, यदि आप न्यूज़पेपर कभी देखेंगे ध्यान से इनके बारे में खबर आएगी तो इनका नाम लिखा होता है बी साई प्रणीत, बी साई प्रणीत, लेकिन यहाँ पूरा नाम लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। इनका संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन ए। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो सही आंसर है दोस्तों उसका डॉक्टर एस राधा कृष्णन। याद रखिएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्कुराते बुद्ध यानी कि स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नेम था। इम्पोर्टेंट नेम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण का। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है ना, याद रखिएगा भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण का ये कोड नेम था, स्माइलिंग बुद्धा कह लीजिए या फिर मुस्कुराता बुद्धा। दांडिया रास और गरबा किस राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं। देखिए सही आंसर इसका गुजरात, लगा सकते हैं दोस्तों आप, सही आंसर का है गुजरात। चलिए गुजरात के बारे में देख लेते हैं, गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, गांधीनगर। ठीक है ना, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, विजय रूपाणी। साथ ही साथ याद रखिएगा राज्यपाल कौन है, श्री आचार्य देवव्रत। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किसने की थी। तो दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा हर्ष, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है ना, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना हर्ष ने की। राजतंत्र को समाप्त करके अफगानिस्तान गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर है दोस्तों 1973 में, याद रखिएगा राजतंत्र को समाप्त करके अफगानिस्तानी गणतंत्र की स्थापना 1973 में की गई। पर्यावरण संरक्षण से संदर्भ में पर्यावरणीय शब्द एनजीटी का अर्थ क्या है। देखिए एनजीटी का फुल फॉर्म डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो जा गिरी रिंग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो किस राज्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा होजागिरी ये है दोस्तों त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा के आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। देखिए बात है त्रिपुरा की, तो याद रखिएगा त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। ठीक है,
और मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा के? बिप्लव देव। बिप्लव देव। साथ ही साथ याद रखिएगा, राज्यपाल यहाँ के अभी चेंज हुए हैं इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। यदि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं, मिला सकते हैं। दो भी याद है तब भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। कह रहा है एक तरफ देश दिए हैं, एक तरफ उनकी मुद्राएं दी हैं, इसको करना है आपको मैच, ठीक है ना, मिलाना है। आप वीडियो को रोक कर भी मिला सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। देखिए अब हम मिलाते हैं। कोरिया, कोरिया देश की मुद्रा है दोस्तों वॉन, ठीक है। इसके बाद आता है भूटान, भूटान की मुद्रा है दोस्तों न्यूगल ट्रम, ठीक है, न्यूगल ट्रम इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया की मुद्रा है दोस्तों तुगरिक, और चीन की मुद्रा है युआन, ठीक है ना, युआन। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। पूरे साल भर 2020 में भारत में चीन छाया रहा, हर तरह से छाया रहा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है चीन। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय ये चीन में है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 22। कोरोना महामारी के बावजूद निम्नलिखित में से कौन सा देश बीते वर्ष 2020 में जीडीपी में धनात्मक वृद्धि प्राप्त करने में कायम रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है चीन। देखिए चीन के दो क्वेश्चन अभी मैंने आपको हाल ही में कराए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जीडीपी की प्लस में रही है, यानी कि धनात्मक वृद्धि प्राप्त की है किसने? चीन ने, कोरोना वायरस के कारण, कोरोना वायरस के होते हुए भी, बावजूद भी। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू राफेल विमान किस देश से खरीदे गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका फ्रांस, ठीक है दोस्तों। फ्रांस देश से खरीदे गए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जिसका नाम था राफेल। सेंट्रल विस्टा परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर में क्रियान्वयन की जा रही है? राइट आंसर इसका दोस्तों नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यानी कि 2019। देखिए 2019 से काम नहीं चलेगा, आपको और भी कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2019 तो सभी बच्चे लगा देंगे, याद रखिएगा दोस्तों इसकी डेट लद्दाख, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2019। कितना? 31 अक्टूबर 2019। अच्छा, वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के? तो उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। आशीर्वाद योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका संबंध है बेटियों के विवाह से, ठीक है ना। आशीर्वाद योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बेटियों के विवाह से। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा अनिल सोनी, ठीक है, अनिल सोनी को। ये भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट हैं और इन्हें WHO फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो इनका नाम है चेतन शर्मा, याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए चेतन शर्मा। निम्नलिखित में से किसे BBC के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों, देखिए नाम गलत लिखा है, लेविस नहीं, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन ए में लुइस हैमिल्टन। दोस्तों ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं, यानी कि ये Formula 1 के ड्राइवर हैं, Formula 1 रेस जो होती है उसके ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। और ये किस कंपनी की कार चलाते हैं? मर्सिडीज कंपनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा रसोई योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये की गई आपकी राजस्थान में, ठीक है ना, इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान राज्य में प्रारंभ की गई। देखिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। जेहान दारूवाला का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों जेहान दारूवाला का संबंध Formula 2 चालक से है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इन्होंने Formula 2 रेस जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये है जेहान दारूवाला, ठीक है ना, जो कि फॉर्मूला चालक हैं, यानी कि फॉर्मूला कार के रेसर हैं। एक नाम और है दोस्तों, बेजान दारूवाला। इनका 90 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है, ठीक है ना, 2020 में। और ये भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, आपने न्यूज़पेपर में इनके फोटो जरूर देखे होंगे, ये ज्योतिषी थे, यानी कि भविष्य बताते थे, ठीक है दोस्तों। और अखबारों में,
टीवी में भी न्यूज में भी इनको दिखाया जाता था। क्या नाम था इनका? बेजान दारू वाला। और इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है ना, गरिया पूजा, इसका कभी कभी आपको लिखा मिलेगा बाबा गरिया पूजा, तो एक ही बात है, बाबा गरिया पूजा या फिर गरिया पूजा। कहाँ होता है ये? त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। देखिए त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री बिप्लब देव और राज्यपाल नए बने हैं अभी, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया इसी सेट में। देखिए नए राज्यपाल यहां बने हैं अभी, सत्यदेव नारायण आर्य। संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? मेन चीज याद रखिएगा, मसौदा समिति का गठन। ठीक है ना, सही आंसर है इसका 1947। ठीक है ना, अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1947। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाथा गायन का एक स्वरूप दस कठिया निम्नलिखित में से कहां से प्रचलित है? तो दोस्तों दस कठिया ये उड़ीसा से प्रचलित है। ठीक है ना, गाथा गायन का एक स्वरूप दस कठिया उड़ीसा से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, अच्छा उड़ीसा के लिए अब इसका नया नाम क्या है? उड़ीसा। तो दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा की, राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों एन आर नारायण मूर्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, यानी कि ऑप्शन बी। किस देश की स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस किस देश का मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका म्यांमार। ठीक है ना, म्यांमार। पुली कली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका एक मनोरंजक लोक कला है? तो दोस्तों ये है आपका केरल का। पुली कली भारत के केरल राज्य का एक मनोरंजक लोक कला है। देखिए केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहां पर मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए दोस्तों युद्ध अभ्यास दिए गए हैं। ठीक है ना, अब यहां हमको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया, ये सुमिलित नहीं है। बाकी के देखिए याद कर लीजिए, वज्र प्रहार ये भारत फ्रांस के बीच होता है, कोंकण भारत ओमान के बीच और डेजर्ट ईगल ये भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों गलती हो गई थोड़ी मुझसे, मैं माफी चाहूंगा। कौन सा युग्म सही है? तो सही है गरुण, सही है इसमें गरुण शक्ति, यानी कि ऑप्शन सी। बाकी सब इसमें से सब जितने भी हैं वो सुमिलित नहीं है, तो गरुण शक्ति सही है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। बाकी वज्र प्रहार, कोणांक और डेजर्ट ये सुमिलित नहीं है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही है, तो सही है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनवाली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? तो राइट आंसर है इसका हरियाणा। ठीक है दोस्तों, बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। देखिए हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बार बार, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बदले गए हैं, ये बन गए हैं अब नए बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों इन क्वेश्चन को एग्जाम में ठीक से पढ़िएगा, मैंने खुद अभी गलती कर दी जैसे कि क्वेश्चन 18 में, तो ध्यान से पढ़िएगा कथन सही है कि नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो कथन सही है, हमको बताना कौन सा सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, केवल यही सही है, बाकी सब गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 23। अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान ढूंढने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति कलीफुल्ला। ठीक है ना, न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अध्यक्षता में अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
अच्छा अयोध्या की बात है तो याद रखिएगा, एक बुक है दोस्तों अमेजिंग अयोध्या, क्या नाम है बुक का, अमेजिंग अयोध्या। तो इसके राइटर का नाम क्या है, इसके राइटर का नाम है दोस्तों नीना राय, ठीक है, नीना राय द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को अमेजिंग अयोध्या। विश्व शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, राइट आंसर है 135वां, यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा पहले स्थान पर कौन रहा ये भी याद रखिएगा, तो आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश हुआ है जो 2008 से इसी स्थिति में है, यानी कि पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु घर तक फाइबर योजना किस राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बिहार, याद रखिएगा घर तक फाइबर योजना, ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है, बिहार राज्य से, याद रखिएगा बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने बीवीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान शुरू करने की घोषणा की, सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली, देखिए याद रखिएगा दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। परम सिद्धि क्या है, परम सिद्धि क्या है, तो ये है दोस्तों भारत में विकसित कृत्रिम मेधा सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, यानी कि आर्टिफिशियल पर आधारित है ये कृत्रिम मेधा सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि। नवम्बर 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक स्थल को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है ना, यानी कि ए और बी। अब देखिए लोनार क्रेटर यानी कि लोनार झील की बात कर रहा है जो कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है, दूसरा है सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, ये भी दोस्तों एक झील ही है सूर सरोवर, ठीक है ना, इन दोनों को ही 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। देखिए रामसर स्थलों की सूची ये होता क्या है, बार बार हर जगह आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। देखिए रामसर साइट कह लीजिए या रामसर स्थल कह लीजिए, देखिए 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ठीक है, आर्द्र भूमि को बचाने हेतु यहाँ सम्मेलन हुआ था। रामसर सूची का उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का विकास करना और रखरखाव करना इसका उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। वर्ष 2020 में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था, साथ ही साथ महाराष्ट्र के लोनार झील जो कि बुलढाणा में है और आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा के सुर सरोवर झील, इसे की थम झील भी कहते हैं, सुर सरोवर झील को की थम झील भी कहते हैं, 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइल रिपोर्ट 2020 राष्ट्रपति को प्रस्तुत की, रिपोर्ट के इस खंड में केंद्र और राज्य के बीच किस अवधि के लिए वित्तीय बंटवारे हेतु सिफारिश हैं, सही आंसर है 2021 से लेकर 26 तक, यानी कि ऑप्शन बी। 210 मेगावाट की लोहारी जल विद्युत परियोजना के पहले चरण के लिए मंजूरी सरकार ने नवंबर 2020 में प्रदान की, यह परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी, तो राइट आंसर है दोस्तों इसका सतलज नदी पर, किस नदी पर, सतलज नदी पर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी रचना है, तो दोस्तों ये रचना है एन के सिंह की, किसकी, एन के सिंह की, पोर्ट्रेट्स ऑफ हाफ पावर ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, देखिए विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भावालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विद्या से संबंधित हैं, तो दोस्तों इनका संबंध है ध्रुपद, ये ध्रुपद गायक है, नाम याद रखिएगा इनका उदय भावालकर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये सही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, राज्यसभा सभापति संसद के दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं। गृह मंत्री संसद के दोनों सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं। तो सही क्या है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इनमें से कौन सिंथेटिक हार्ड
कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए सही आंसर इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन को सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल्ड, डाउंस, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये सभी आपके है ना घास के मैदान हैं दोस्तों, ठीक है ना। बेल्ड, डाउंस, पंपास ये सभी आपके घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है। देखिए लाइन अच्छी है यहाँ पर, विश्व का पहला मंदिर है ग्रेनाइट से निर्मित। तो राइट आंसर इसका तमिलनाडु में है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं तमिलनाडु की, राजधानी है चेन्नई, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ के नए बनाए गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एम के स्टालिन, ठीक है, एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्रायः सूफीवाद से संबंधित है। तो दोस्तों सही आंसर इसका कव्वाली, ठीक है ना। गजल, ठुमरी, ख्याल ये इसका कोई संबंध नहीं है सूफीवाद से। सूफीवाद से संबंधित क्या है, कव्वाली। पारंपरिक दशावतार नामक की रंगमंच यानी कि थिएटर शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका कोंकण, ठीक है ना। जल चक्र को कहा जाता है, जल चक्र को और भी किस नाम से जाना जाता है, इसका मतलब यह है जल चक्र को और भी कहा जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों जलीय चक्र, ठीक है ना। जल चक्र को जलीय चक्र भी कहा जाता है। द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस किताब को लिखा है दोस्तों दलाई लामा ने। किसने, दलाई लामा ने। द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सही आंसर दोस्तों 1% यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 24। पहला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नोवाक जोकोविच, जो कि किस देश के हैं दोस्तों, सर्बिया देश के। देखिए फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग में है, महिला वर्ग भी याद रखिएगा, महिला वर्ग में जीता बारबोरा क्रेजीकोवा ने जो कि चेक गणराज्य की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग रही है दोस्तों इस रिपोर्ट में 117, कितनी 117। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो सही आंसर दोस्तों अब्दुल्ला सहीद को, याद रखिएगा अब्दुल्ला सहीद को 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसादिग्गजम के लेखक निम्न में से कौन है। तो इनका नाम है बीरप्पा मोइली। क्या नाम है दोस्तों, बीरप्पा मोइली। किस राज्य ने कृषि भूमि का डिजिटलीकरण सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। सही आंसर है तेलंगाना, याद रखिएगा तेलंगाना ने कृषि भूमि का डिजिटलीकरण सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। देखिए तेलंगाना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसका गठन कब किया गया। तो तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून 2014। राजधानी क्या है, हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। अब याद रखिएगा मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन। काला पानी, लिपुलेखा और लिम्पियाधुरा भारतीय क्षेत्रों को किस पहाड़ी देश द्वारा अपने राजनीतिक मानचित्र में दिखाने पर भारत ने विरोध दर्ज किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका नेपाल, ठीक है दोस्तों नेपाल। अगला क्वेश्चन है, 108वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2021 को का इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी कि पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र आया है ना तो ध्यान से सुनिए, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है दोस्तों। और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, साथ ही साथ राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी। 13वां ICC विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है। तो ये दोस्तों प्रस्तावित है भारत में। कहाँ पर, भारत में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है टी वी नरेंद्रन,
टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। खिलाड़ियों और उनमें से संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि टाइगर वुड्स स्नूकर। याद रखिएगा टाइगर वुड्स ये गोल्फ के खिलाड़ी है, यानी कि ये गोल्फर है। बाकी सब याद रखिएगा, देखिए मार्टिना हिंगिस ये टेनिस से संबंधित हैं, उसेन बोल्ट ये एथलेटिक्स से यानी कि तेज दौड़ते हैं, धावक हैं ये, और माइकल फिलिप्स ये तैराक हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सही आंसर इसका उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली ये उड़ीसा से संबंधित है। याद रखिएगा उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो सही आंसर है एक तिहाई सदस्य। कितने दोस्तों? एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, यानी कि 1924 में भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुई। लावानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो दोस्तों ये है भारोत्तोलन, और याद रखिएगा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी हाल ही में भारत को पहला पदक दिलाया था। ठीक है ना, पहला पदक किसने जीता था टोक्यो ओलंपिक में? तो मीराबाई चानू, इनका पूरा नाम है साई खोम मीराबाई चानू। याद रखिएगा इन्होंने भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल, और ये भारत के लिए ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक इन्होंने जीता। और भाला फेंक खिलाड़ी हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा, इनको स्वर्ण पदक मिला टोक्यो ओलंपिक में। निम्नलिखित में किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सही आंसर इसका दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो सही आंसर है दोस्तों, थी नहीं है दोस्तों, है होना चाहिए यहाँ पर। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो सही आंसर है कोहिमा, यानी कि ऑप्शन बी। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। याद रखिएगा नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।